वेलकम फ्रेंड्स, आपके अपने चैनल शफी असर में वेलकम है। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह, हम लोग भी बिल्कुल खैरियत से हैं। और आज आपके साथ शफी असर कश्मीरी पिंक टी की ओरिजिनल रेसिपी लेके आए हैं, वो आपके साथ स्टेप बाय स्टेप शेयर करेंगे। बिस्मिल्लाह रहमान रहीम, चलते हैं अपनी रेसिपी। हमारे पास हाफ लीटर पानी है, यहाँ पर एक टुकड़ा दालचीनी का है, एक अदद बादियान का फूल है, तीन अदद सब्ज इलाचियाँ हैं, ग्रीन टी है, थोड़ा सा साल्ट है और सोडा। ऐसा अपनी सारी चीज़ें ठंडे ठंडे पानी में शामिल कर देंगे, सिर्फ नमक और सोडा ऐड नहीं करना, और सोडे को बाद में ऐड करेंगे। दस मिनट के लिए इसे हम बॉईल करेंगे, अच्छे से आप इसे फेंट लेंगे, जितना अच्छे से इसे फेंट लेंगे। बहुत मज़े की ये टी तैयार होती है, बहुत ही मज़ा आता है इसको पीने का। इस तरीके से हमने फेंटते जाना है पानी को, ताकि इसका कलर तकरीबन पानी रिड्यूस हो के तकरीबन आधा रह गया। बारे में एक मशहूर कहावत भी है कि चाइना में जो शाही खानदान था ना, वो सिर्फ ग्रीन टी को पिया करता था और आम लोगों को इस चाय को पीने की इजाज़त ही नहीं थी होती। तो जब चाइना में से बादशाहत का दौर ख़त्म हुआ तो फिर आम लोगों को भी इजाज़त मिल गई कि वो ग्रीन टी पी सकते हैं। ग्रीन टी पीने के फ़ायदे भी बहुत हैं, इसे दूध के बगैर पिया जाए तो वेट लॉस करने के गुजारने के लिए एक दिन में एक कप ज़रूर ग्रीन टी पीनी चाहिए। बहुत सारी बीमारियों से हमें बचाती है, क्योंकि इसमें बहुत सारे एंटीऑक्सीडेंट पाए जाते हैं, खासतौर से कैंसर। इसको एंड पे आके हम इसमें सोडा ऐड करेंगे, ये बेकिंग पाउडर नहीं है, ये नॉर्मल। यहाँ पर हमारे पास चिल पानी है, फुल ठंडा पानी, आप चाहे तो इसमें बर्फ के क्यूब भी शामिल कर सकते हैं। इस पॉइंट पे आके शामिल करेंगे और फिर 10 मिनट तक अच्छे से बॉयल करेंगे, हला हला के, ताकि इसका पिंक कलर बाहर आए। इसके सेकंड हमारा कलर आ रहा है। अभी मजीद हमने इसे 10 मिनट ठंडे पानी के साथ अच्छे से बॉईल करना है। इसे पैनना बिल्कुल नहीं बंद करना आपने। इस टी को बनाने में ना सारा जो रोल है ना, वो हमारे पास बहुत जबरदस्त कलर आ गया है। अब सेकंड स्टेप की तरफ चलते हैं। दूध, हाँ हाँ हाँ, कितना जबरदस्त कलर आया है, अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। ग्रीन टी बिल्कुल तैयार है, पिंक कलर भी आ गया है। अभी इसको हम छान लेंगे। इस कावे को बना के आप एक महीने के लिए फ्रिज में भी रख सकते हैं, जब आपका दिल चाहे 2 मिनट में आप अपनी कश्मीरी पिंक टी तैयार करें। हाफ कप को बॉयल कर लेंगे और हाफ कप जो है वो ड्राई दूध मिक्स करने के लिए बचा लेंगे हम थोड़ा सा। ड्राई मिल्क से इसमें बहुत मज़े का फ्लेवर आता है और बड़ी क्रीमी सी चाय तैयार होती है, टेस्टी। आपको ऐसे लगेगा बिल्कुल आप रेस्टोरेंट पे पीने के लिए आए हैं, चाय घर की चाय नहीं लगेगी, बहुत मज़े की बनती है। फिर से हम बॉईल करेंगे। अल्हम्दुलिल्लाह, बहुत जबरदस्त खूबसूरत सा पिंक कलर निकला हमारा।
अल्हम्दुलिल्लाह हमारी कश्मीरी टी तैयार है, पिंक टी। अब इस टी के साथ हम गार्निश कर रहे हैं।